का शुरू किया है शुरू में, तो तीन लाइन में हमारे सामने रिजल्ट है। पहले कितना टाइम लगा तुमको? 17 सेकेंड। हाँ, उसके बाद 12 सेकेंड। तुम्हारा पहला कितना था? 15 सेकेंड। उसके बाद 11 सेकेंड। माशाल्लाह, तुम्हारा पहले कितना था? 12। अभी 8 सेकेंड, 4 सेकेंड का फर्क हो गया। 4 सेकेंड उनकी तरक्की हो गई कि भाई उतना स्पीड से बढ़ाया, पढ़ा उन्होंने। अभी अपनी इब्तदा है। ऐसा जो है आपके पास घड़ी रहेगी, अगर समझो उस्ताद नहीं पढ़ाए तो तुम दोनों तीनों मिलकर ग्रुप बनाने का और प्रैक्टिस करने का। कैसे? पहले अभी तीन लाइन लिए, पांच लाइन लेना है। पांच लाइन लेकर भाई तुम कि भाई तुम घड़ी लेकर बैठेंगे, चार लड़कों को तुम पढ़ने के लिए कहेंगे, तो आपस में अगर चार नहीं मिलेंगे तुम दोनों बैठेंगे, तुम दो बैठेंगे कि मैं पांच लाइन पढ़ूंगा तो और ये करूंगा, फिर तुम मेरा टाइम देखना। उसके बाद फिर तुम आपस में प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद जब एक हफ्ते में समझो तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, ऐसा कहेगा यानी स्पीड से पढ़ना, रवानी से पढ़ना, ये हफ्ते में एक टाइम रहेगा। रोज़ाना जो है ना तुम्हारे को अपनी प्रैक्टिस करनी है, और वो पैराग्राफ ऑन द स्पॉट दिया जाएगा कि भाई पैराग्राफ अभी दे दिया, पांच बच्चों को पैराग्राफ दे दिया, पांच लाइन, तो पांच लाइन में जो है वो 5 मिनट उनको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, वो 5 मिनट में वो पैराग्राफ पढ़ना है। उसके बाद फिर बंद कर देंगे, बंद करके जिसका जो टाइम लगा देंगे वो पढ़ेगा। इस तरह पांच लड़कों की समझो टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे अपन कि भाई किसका 10 मिनट 10 सेकंड आ गया, इसका समझो 25 सेकंड आया या 5, जो भी आया तो वो नोट करेंगे। उसके बाद जो है जो कम से कम इसमें पढ़ेगा तो उसके नाम जो है एक हफ्ते तक यहाँ रहेंगे बोर्ड पे, पहला दूसरा तीसरा नंबर एक हफ्ते तक रहेगा। एक हफ्ते के बाद वापिस हम मुकाबला लेंगे, तो वो बच्चा कहेगा कि भाई मेरा नंबर पहला है, मैं पहला ही रखूँगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा और ये नंबर मैं नहीं छोड़ूंगा। और दूसरे जो चार लड़के हैं उनको क्या कहना है? हम कहेंगे या उस्ताद कहेंगे कि देखो तुम्हारा पांचवा नंबर आया है ना, इसका पहला नंबर आया, अब तुम पांचवा नंबर जो है पहला नंबर कैसे लेंगे वो कोशिश करना है। तो वो पांचवा नंबर जो है वो भी कोशिश करेगा कि भाई मेरे को एक नंबर मिले, और एक नंबर वाला क्या कहेगा कि भाई मैं अपना नंबर नहीं छोड़ूंगा, जो पहला नंबर मिला है मेरे मैं वो मेरा नंबर नहीं छोड़ूंगा। तो वो जो है पांचवें नंबर से लेकर एक नंबर तक हर कोई कोशिश करेगा, और इस तरह जो है आपकी पढ़ाई में जो है स्पीड